तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोमवार को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के सभागार में निबंध चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी इरशाद अली ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत छात्र छात्राओं में जागरूकता के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के जरिए छात्र व छात्रा को सड़क सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को जिलाधिकारी के द्वारा मंगलवार को एनेक्सी भवन के सभागार में सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यात्री कर अधिकारी इरशाद अली ने कहा, कि जो बेस्ट आर्टिस्ट है कम समय में कल सब कुछ करके एकदम परफेक्ट अपना आर्ट दे, उसी को बच्चे बन के लिख लेते हैं। पता है इसमें देखी जाएगी निर्धारित मैं यात्री कर अधिकारी इरशाद अली जी। ये तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह परिवहन विभाग गोरखपुर के द्वारा आयोजित किया गया है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक घटक था कि निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और साथ में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसका मूल उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों के बीच में महिला सशक्तिकरण तथा सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाना। सर कितने स्कूल के बच्चों ने इसमें? सभी बच्चों को इसमें इन्वाइट किया गया था, लेकिन चूंकि कोविड का सेशन चल रहा है, संक्रमण काल है, इसलिए बच्चों की उपस्थिति कम है। लगभग 35 बच्चे हमारे आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए ये पर्याप्त दूरी बना के और मास्क के साथ ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। इनको सम्मानित भी किया जाएगा जी। इनका आज इनको शाम को रिजल्ट बता दिया जाएगा और जो बच्चे इसमें विजेता होंगे उनको कल हमारे समापन समारोह में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा।